गुंजन सक्सेना को लेकर करण जौहर फिर से हुए ट्रोल। वायुसेना पर अपमान का लग रहा आरोप। यूजर लिख रहे हैं, करण जौहर तो नेपोटिज्म के मेंटर हैं। अब तो गुंजन सक्सेना को एयरफोर्स की तरफ से भी लताड़ा गया है, इस फिल्म को बायकॉट करना चाहिए। वहीं दूसरे यूजर ने तो इसे अधर्म करार दिया है। वो लिखते हैं, बॉलीवुड फिल्मों में देशभक्ति की मांग करना बेकार है, ऐसे एंटी भारत फिल्मों को सिर्फ बायकॉट किया जा सकता है। करण की धर्मा प्रोडक्शन का तो यही उद्देश्य है, अधर्म फैलाओ। एक यूजर ने तो ट्वीट कर दोनों एकता कपूर और करण पर निशाना साधा है। कहा गया है कि ये दोनों ही भारतीय सेना के खिलाफ हैं। सड़क टू ट्रेलर फ्लॉप होने से बौखलाएं पूजा भट्ट। पूजा भट्ट ने अपने ट्वीट में लिखा, नफरत बहस बदनाम झूठ बायकॉट भागो सबसे ऊपर क्यों नहीं, एक हॉट बोट के साथ सबसे अधिक मेजबान होने के लिए क्या करना चाहिए। पूजा भट्ट का ये ट्वीट देखकर लग रहा है कि फिल्म के ट्रेलर पर जो रिस्पांस मिल रहा है उससे काफी वह खफा हैं। संजय दत्त के जल ठीक होने के लिए अखंड ज्योति जलाएंगी काम्या पंजाबी। काम्या पंजाबी ने अपने ट्वीट में लिखा, मैं बप्पा से प्रार्थना करूंगी, इस साल गणेश स्थापना बाबा के लिए प्रार्थना से भरी होगी। मैं बाबा के लिए अखंड ज्योति जलाऊंगी, प्लीज स्ट्रांग रहिए और जल्दी ठीक हो जाइए। आप मेरे तब से फेवरेट हैं जब मैं 10 साल की थी। आपको याद है कि मैं आपसे महबूब स्टूडियो में मिली थी, आपको जिप्पो तोहफे में दिया था, मैं वही क्रेजी गर्ल हूँ। सबसे महंगी फिल्म होगी सलमान खान की, टाइगर 3 इस महीने से शुरू होगी शूटिंग। सलमान खान की सुपरहिट फ्रेंचाइज टाइगर के तीसरे पार्ट पर काम जल्द शुरू होने वाला है। खबरों की माने तो सलमान ने इस फिल्म के लिए हरी झंडी दे दी है और अगले साल फरवरी में टाइगर 3 की शूटिंग शुरू होने की संभावना है। कहा जा रहा है कि यह अब तक की सबसे महंगी बॉलीवुड फिल्म होगी। इलाज के लिए अमेरिका जाने में संजय दत्त को आ सकती है दिक्कत। एक खबर सामने आई है जिसमें उनका अमेरिका जाना मुश्किल हो सकता है। खबरों के अनुसार संजय दत्त इलाज के लिए अमेरिका के मेमोरियल स्लोआन कैटरिंग कैंसर अस्पताल में इलाज के लिए जा सकते हैं, लेकिन पेच यह है कि संजय दत्त के पास अमेरिका का वीजा नहीं है और वह मुंबई ब्लास्ट में दोषियों और सजायाफ्ता मुजरिमों में शामिल हैं। ऐसे में संजय दत्त मेडिकल ग्राउंड पर अमेरिका का वीजा पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर उन्हें अमेरिका में इलाज कराने की अनुमति नहीं मिलती है तो वह फिर दूसरा विकल्प के रूप में इलाज के लिए सिंगापुर जा सकते हैं। कैंसर ट्रीटमेंट के बीच कैसे पूरी होगी संजय की KGF 2 के प्रोड्यूसर ने बताया कैसे। फिल्म के प्रोड्यूसर कार्तिक गोड़ा का कहना है कि संजय दत्त 3 महीने के बाद फिर से शूट शुरू करेंगे। प्रोड्यूसर ने कहा, संजय दत्त 3 महीने बाद जब उनका ट्रीटमेंट खत्म हो जाएगा तब वे लौटेंगे और मेरी फिल्म को पूरा करेंगे। उनकी टीम ने मुझे बताया कि मेरी भी संजय दत्त से 2 दिन पहले ही बात हुई थी, संजय की बस 3 दिन की शूटिंग बची थी, ये सभी एक्सटेंशन सीन्स थे। KGF का पहला पार्ट जबरदस्त हिट रहा था। यशराज फिल्म्स के मेगा प्रोजेक्ट में नजर आएंगे अजय देवगन। खबरों की माने तो अजय देवगन ने यशराज फिल्म्स की एक मेगा प्रोजेक्ट के लिए हामी भरी है। हालांकि इस मेगा बजट का नाम फाइनल नहीं हुआ है, वहीं इस बारे में आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। खबरों के अनुसार आदि चोपड़ा ने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए अजय देवगन को साइन किया है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि यशराज अपने 50 साल पूरे करने जा रहा है, ऐसे में इस फिल्म की घोषणा के साथ सेलिब्रेशन किया जाएगा। ये फिल्म निर्देशक राहुल रवेल के बेटे शिव रवेल निर्देशित करेंगे। अपने मुन्ना भाई पर सर्किट को है पूरा भरोसा। संजय के साथ मुन्ना भाई MBBS और लगे रहो जैसे कामयाब फिल्में देने वाले अरशद वारसी को पूरा यकीन है कि संजय एक फाइटर की तरह जीतेंगे। मिड डे से बातचीत में अरशद ने कहा, मैं ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं जानता जिसने इतनी बड़ी मुश्किलों का सामना किया हो और जीता हो, चाहे जो भी परिस्थितियाँ हों वो बहुत सकारात्मक रहते हैं। मैंने कभी उनसे अपनी हालत को लेकर शिकायत करते हुए नहीं देखा, वो इससे भी जीतकर निकलेंगे, वो एक योद्धा हैं। सुशांत के लिए चली इस मुहिम में शामिल हुई कंगना और अंकिता लोखंडे। वीडियो शेयर कर की ये अपील। कंगना रनौत हाथ में व्हाइट बोर्ड लिए सुशांत के लिए CBI जांच की मांग कर रहे हैं।
उन्होंने कहा, हम सुशांत सिंह की जांच के लिए सीबीआई चाहते हैं, हम सच के सिवा और कुछ नहीं चाहते हैं। वहीं सुशांत सिंह राजपूत की एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे ने भी सुशांत के लिए सीबीआई जांच की मांग की है। सुशांत को इंसाफ दिलाने की इस मुहिम में धीरे धीरे लोग जुड़ते जा रहे हैं। राहुल रॉय कर रहे हैं फिल्मों में प्रवासी मजदूरों पर बनी फिल्म द वॉक से वापसी शेयर की फिल्म की तस्वीर। यासिकी फैम एक्टर राहुल ने इस फोटो को शेयर करते हुए लिखा है, द वॉक डायरेक्टर नितिन गुप्ता नियोल फिल्म्स टीम अफोर्ड पर मुझे गर्व है। राहुल रॉय की फिल्म द वॉक प्रवासी श्रमिकों की कहानी पर आधारित है। फिल्म में दो श्रमिकों की कहानी दिखाई जाएगी जो मुंबई से उत्तर प्रदेश का सफर तय करेंगे। इस फिल्म का पोस्टर पहले ही रिलीज किया जा चुका है। इस तरह राहुल रॉय एक बहुत ही प्रासंगिक विषय पर फिल्म लेकर आने वाले हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की अब तक की 10 बड़ी खबरें। ऐसे ही और भी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे नए वीडियो के आने पर आपको पता चल सके। नमस्कार।